सुनील मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जरूरत चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और औषधि विभाग में किया पौधारोपण। अगले 50 साल का भागलपुर कैसा होगा, विषयों पर ऐलान करने की बात हुई। स्वच्छ पवन नील गगन प्रोजेक्ट को साकार करने की वार्ता की गई। भागलपुर में गुरुवार को केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने माउंट कॉर्मेल स्कूल के पूर्व में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। साथ ही साथ औषधि विभाग में 20 औषधीय पौधे भी लगाए। इसके बाद उन्होंने बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पूरे होने की बाबत CPWD के अधीक्षक अभियंता BK झा से पूछा, जहां उन्हें बताया गया कि अस्पताल में बिजली कनेक्शन जून में लग जाएगा तो जुलाई तक अस्पताल के लिए जरूरी बेड, जांच मशीन, उपकरण आदि लगा दिए जाएंगे। अगस्त से OPD का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री के 8 वर्षों के कार्यकाल को भी गिनाया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्यों में कुछ विलंब हुआ, लेकिन अब पूरे जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। भागलपुर बिहार का पटना के बाद व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकसित शहर है, फिर भी सड़क के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शहर से कचरे को लेकर डंपिंग की जगह को लेकर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ पवन नील गगन प्रोजेक्ट को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को साकार करेंगे। लगाने का सोच किया है पूरे देश भर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस वैश्विक महामारी के कालखंड में जो ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान होते थे, तो शहर में पेड़ ही ऐसा चीज है जो अधिक ऐसे पेड़ लगे जिससे ऑक्सीजन मिले और लोगों को एक अच्छा टहलने का ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, तो उसमें पेड़ का लगना बहुत आवश्यक है। तो हमने नगर वन का भारत सरकार की योजना इसी के कड़ी में परसों यानी 11 तारीख को और 11 तारीख को प्रातःकाल हमने 8 बजे वहाँ टहलने का योगा वगैरह भी वहाँ होता है, उनके साथ योगाभ्यास भी होगा और परसों इस कार्यक्रम को हम लोग सुबह। चौबे ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर कहा कि डॉक्टर, नर्स, स्टाफ आदि की तैनाती के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में OPD को संचालित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान DM सुब्रत कुमार सेन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उमा शंकर सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास आदि की मौजूदगी रही। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।